नमस्कार, ज्ञानवीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार मौसम में अचानक बदलाव होने से हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से भी अक्सर हमें बुखार आ जाता है। वैसे तो ये रोग गंभीर नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसका इलाज नहीं करें तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको सर्दी जुकाम खांसी और बुखार को ठीक करने के 5 घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा ज्ञान वीड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, पहला उपाय है, तुलसी के पत्ते एक गिलास पानी में कम से कम 10 मिनट तक उबालें और इसका काढ़ा बना लें। बुखार, मलेरिया, डेंगू जैसे रोग से राहत पाने के लिए तुलसी रामबाण का काम करती है और ये काढ़ा आप दिन में 2 बार पिए, इससे आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। दूसरा है, सर्दी जुकाम के कारण अगर आपको बुखार आ गया है तो तुलसी, मिश्री, मुलेटी और शहद को पानी में मिलाकर इसका काढ़ा बनाएं और इस घरेलू नुस्खे से बुखार दूर होता है, साथ ही आपका जुकाम भी ठीक होगा। तीसरा है, सर्दी जुकाम खांसी का इलाज में कुछ औषधि हमारे किचन में ही मौजूद होती है जो कि मेडिसिन का काम करती है। इसमें सबसे पहला नाम है अदरक। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा हल्दी और दालचीनी भी इसका एक अचूक इलाज है। चौथा है, हल्दी वाला दूध पीने से भी सर्दी जुकाम व खांसी से छुटकारा मिलता है। एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालें और पहले दूध में हल्दी को मिलाकर गर्म करें, तभी इसका असर आता है। पांचवा और दोस्तों आखिरी उपाय है, अदरक को पीसकर इसे देसी घी में भूनकर 3 से 4 बार खाने से आपको काफी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।